तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कहता है बी वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ट्यूब टी, मतलब एक ट्यूब है और अगर ये हमारा ट्यूब है इससे वाटर फ्लो हो रहा है, द वाटर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस ट्यूब, और अगर इस ट्यूब से वाटर का फ्लो कर रहा है तो वॉल्यूम एट एनी टाइम प्रोपोर्शनल टू ट्यूब टाइम पीरियड टी, समझ रहे हो, एंड रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर यू बाय द रिलेशन ये। यहाँ पे दिया हुआ है ए की पावर अल्फा है और यू की पावर बीटा है और टी की पावर गामा है, ठीक है। तो ये कहते हैं अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। देखो भी क्या है भाई, भी है वॉल्यूम, तो इधर आ जाएगा एल की पावर क्यू और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में रखता हूँ, यहाँ से बीटा, बीटा क्या है भाई, अल्फा क्या है, अल्फा एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एल स्क्वायर, तो इसकी पावर अल्फा, ठीक है। और यू भी है बीटा, बीटा जो है यू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, तो ये आ जाएगा अपना बीटा, और टाइम टी, तो टाइम टी आ जाएगा गामा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से के और साइड में लेते हैं, तो एल की जितनी पावर है, एल की पावर है टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, टी की पावर है माइनस बीटा प्लस गामा, ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, पावर जाके कंपेयर करूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मतलब टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एल की पावर थ्री मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा यहाँ से माइनस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा यार, जीरो के, इसका मतलब गामा इज इक्वल टू बीटा, तो इक्वेशन नंबर टू। तो गामा और बीटा तो आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो गामा और बीटा आपस में बराबर है, ये तो क्लियर है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ये और सही नहीं है। तो क्या अल्फा बीटा भी आपस में बराबर है, तो अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से तुम देखोगे जो अल्फा की वैल्यू आएगी, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो थ्री और माइनस टू टाइम्स अल्फा, ठीक है, और अल्फा अल्फा बीटा देखो आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर कुछ यहाँ से कुछ भी लोगे तो अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं, मतलब ए ऑप्शन सही नहीं है, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।